साथियों, देश के हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए किस तरह काम हो रहा है उसका एक उदाहरण ई श्रम पोर्टल भी है। ये पोर्टल पिछले साल शुरू किया गया था ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आधार से जुड़ा नेशनल डेटाबेस बन सके। मुझे खुशी है कि इस एक साल में ही इस पोर्टल से 400 अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले करीब 28 करोड़ श्रमिक जुड़ चुके हैं। विशेष रूप से इसका लाभ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, प्रवासी मजदूरों को और डोमेस्टिक वर्कर्स को मिल रहा है। अब इन लोगों को भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जैसी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। श्रमिकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ई श्रम पोर्टल को नेशनल कैरियर सर्विस, असीम पोर्टल और उद्यम पोर्टल से उससे भी जोड़ा जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित आप सभी से मेरा आग्रह है कि नेशनल पोर्टल्स के इंटीग्रेशन के साथ साथ हम स्टेट पोर्टल्स को भी साथ में इंटीग्रेट करने पर जरूर काम करें। इससे देश के सभी श्रमिकों के लिए नए अवसर खुलेंगे, सभी राज्यों को देश की श्रम शक्ति और प्रभावी लाभ मिलेगा। साथियों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे कितने लेबर कानून रहे हैं जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। बीते 8 वर्षों में हमने देश में गुलामी के दौर के और गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। देश अब ऐसे लेबर कानूनों को बदल रहा है, रिफॉर्म कर रहा है, उन्हें सरल बना रहा है। इसी सोच से 29 लेबर कानूनों को 4 सरल लेबर कोड में बदला गया है।